obesity. असदुद्दीन ओवैसी, जिसे लोकसभा का रुकन मुंतखब किया गया है, खुदा के नाम से हल्फ उठाता हूँ। ओवैसी साहब, संसद में आपकी ये मुस्कान बहुत कुछ कहेगी। ये मुस्कान बता गई कि आपको भारत माता की जैसे भय लगता है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपने संसद में शपथ लेने के फौरन बाद भारत माता की जय और वंदे मातरम के जवाब में जय भीम और जय हिंद का नारा क्यों लगाया? भीम, जय मीम, तकबीर, अल्लाह अकबर, जय हिंद। सच कहें तो आपने भी यूपी में संभल के सांसद शफीकुर रहमान बर्क जैसी सोच संसद में दिखा दी। ये बता दिया कि वंदे मातरम और भारत माता की जय को आप भी कम्युनल मानते हैं। तो अब आपसे कुछ जरूरी सवाल है, क्या वंदे मातरम इस्लाम के खिलाफ है? क्या आप मोदी विरोध में आकर वंदे मातरम और भारत माता की जय का विरोध कर रहे हैं? क्या छल में छेद से हारे तो इस्लाम के सहारे हो गए? क्या इसीलिए आप और सांसद शफीकुर रहमान बर्क हार की हताशा में वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं? 2019 में आज मैं जिम्मेवारी के साथ आपसे अपेक्षा करने आया हूं। अब जब संविधान को के सामने सर झुका करके आपके सामने खड़ा हुआ हूं, तब मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हमें इस छल को भी छेद करना है। जिस नारे ने अंग्रेजों को भगाया, वो ओवैसी और शफीकुर रहमान बर्क जैसे नेताओं को कम्युनल क्यों नजर आया? सबसे बड़ा सवाल, ये देश संविधान से चलेगा या इस्लाम से? ब्यूरो रिपोर्ट, जी।